काशीपुरी में मां बाल सुंदरी देवी का डोला ढोल नगाड़ों के साथ चैती मंदिर पहुंचा। 5 दिन यहां रहने के बाद मां का डोला वापस मध्यरात्रि में नगर मंदिर पहुंचेगा। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में मां बाल सुंदरी देवी का डोला नगर मंदिर से चलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ 5 किलोमीटर दूर चैती मंदिर पहुंचा। उत्तर भारत के प्रसिद्ध चैती मेले में तड़के मां बाल सुंदरी देवी का डोला गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों की थाप के साथ पहुंचा तो श्रद्धालु भक्ति भाव में झूमते नजर आए। मां बाल सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा को सहायक प्रधान पंडा मनोज कुमार अग्निहोत्री ने मां के नगर मंदिर मोहल्ला पक्का कोट से हजारों भक्तों के साथ चैती मेला भवन पहुंचा। मां बाल सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा मां के भवन में पहुंचाते ही भक्तों की भीड़ प्रसाद चढ़ाने के लिए चैती मेले में उमड़ पड़ी। मां का डोला 5 दिन यहां रहने के बाद 4 और 5 अप्रैल की मध्य रात्रि वापस नगर मंदिर पहुंचेगा। देखिए आज अष्टमी मध्यरात्रि है और बहुत ही महान दिन है। आज मां बाल सुंदरी का डोला नगर मंदिर से चलते चैती मंदिर पहुंचेगा। ये कार्यक्रम शाम 4 बजे से प्रारंभ होता है। शाम 4 बजे से 12 बजे तक मां के दर्शन होते हैं। 12 बजे फिर तंत्रोक्त विधि से मां का पूजन किया जाता है और उसके बाद सांकेतिक बलि देकर मां का डोला नगर मंदिर से उठता है और चैती मंदिर पहुंचता है। प्रातःकाल की आरती मां चैती मंदिर में स्वीकार करती है। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।